दिल्ली एनसीआर में हवा बहुत ज्यादा जहरीली हो गई है। वहां पर द्वारका, सोनिया विहार, शादीपुर और वजीरपुर इलाकों में अगर बात करें तो हवा में प्रदूषण बहुत ज्यादा खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। वजीरपुर में हवा में प्रदूषण का स्तर 549 पॉइंट दर्ज किया गया है, जबकि द्वारका में बात करें तो उसका स्तर 318 पॉइंट पर है। सर्दी की शुरुआत होने से हवा में नमी है, जिस वजह से दिल्ली एनसीआर में स्मॉग भी आसमान पर फैला हुआ नजर आ रहा है। स्मॉग की वजह से ज्यादातर इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम है। इस बीच दिल्ली में वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए बनी राज्य और केंद्र सरकार की 44 टीमें जो कि तैनाती इनकी आज से शुरू होने जा रही है। ये दिल्ली क्लीन एयर कैंपेन का हिस्सा है, जिसे पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन आज हरी झंडी दिखाएंगे। रनिंग करने के बाद खांसी अब होती है, पहले नहीं होती थी। अब थोड़ा रनिंग कर लो 2-4-5 किलोमीटर, यू टेंड टू कफ। आइस की इरिटेशन खैर सुबह नहीं इतनी फील होती, बस आफ्टरनून में यू डू फील। दौड़ने में थोड़ी परेशानी होती है, ऐसे आँख में तो ज़्यादा जलन नहीं है, दौड़ने में परेशानी। मैं एक्चुअली कोलकाता से हूँ, वहाँ पर थोड़ा पोल्यूशन कम है, वहाँ पर मैं रनिंग डेली करता हूँ, यहाँ भी रनिंग डेली करता हूँ। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि थोड़ा सांस लेने में दिक्कत होती है, सुबह कोहरा भी ज़्यादा होता है, दिखता नहीं राष्ट्रपति भवन जहाँ से दौड़ते हैं, पास आके बहुत दिखता है। सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए गवर्नमेंट को कि पॉल्यूशन कम हो थोड़ा, और जो पटाखे उठाके क्रैकर उन पर बैन करना चाहिए। बहुत परेशानी होती है, सांस फूलने लगती है सब वगैरह वगैरह। दिल्ली में बहुत धुंध पड़ा हुआ है और हम इधर सुबह शाम जो दौड़ते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो प्रदूषण का बहुत ज़्यादा प्रकोप है और आँखों में भी जलन होती है, सांस लेने में भी बहुत दिक्कत होती है और आँखों में भी लाल किसी होती है और जलन होती है। दिल्ली एनसीआर में स्मोक की चादर ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया है। इस वक्त हम खड़े हैं मौसम विभाग के सामने, जहां का जो आईक्यू मीटर है, जो इंडेक्स है, यहां इसके जरिए आप देख सकते हैं आज के मौसम का हाल। राजधानी दिल्ली के लोधी रोड के मौसम के बारे में यहां बताया जा रहा है। PM 2.5 आज 214 है, वहीं PM 10 283 है, जो कि पुअर की कैटेगरी में आते हैं। इस मौसम की वजह से राजधानी दिल्ली के लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, लगातार राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, आप क्या कहेंगे इस पर? सर, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सुबह जब उठ रहे हैं तो सांस लिया नहीं जा रहा है, जैसे लग रहा है दम घुट रहा है यहाँ पर। और हम तो रोज मॉर्निंग वॉक करने आते हैं यहाँ पर, लोधी गार्डन पास में ही है, पर मैं 3-4 दिन से देख रहा हूँ बहुत डिफिकल्टी हो रही है सांस लेने में। बट मजबूरी है कि हेल्थ को देखते हुए आना भी पड़ रहा है और मन भी नहीं होता आने का, लेकिन इसी पेशो कस में कि क्या करा जाए। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगातार गिरता जा रहा है, इसकी वजह से पार्कों में आने वाले लोगों की संख्या में भी कुछ कमी देखी गई। बहुत कम है, मैं तो यहाँ आता हूँ, मुझे लग रहा है कि मुश्किल से पहले जो आते थे उससे 20 या 25% लोग अब आ रहे हैं। और बाकी लोगों ने तो वॉल्यूम बंद कर दिया, या फिर लेट आते होंगे, या फिर घर में कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। बट मॉर्निंग वॉक ही मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है अब जो है, इस एनवायरमेंट में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से जो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए लोग आते थे उसमें भी गिरावट आई है। देखना होगा इस पूरे मामले को किस तरीके से सरकार निपट पाती है, किस तरीके से लोगों को राहत मिल पाती है। कैमरामैन नरेश के साथ मोहित सिंह, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। हम इस वक्त मौजूद हैं इंडिया गेट के पास और आप देख सकते हैं इंडिया गेट की विजिबिलिटी कितनी पुअर हो चुकी है। वहाँ पे लोगों, यहाँ पे जो लोग एक वक्त पे सुबह सुबह टहलने के लिए, घूमने फिरने के लिए काफ़ी भारी संख्या में आया करते थे, वो अब नहीं आ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति भवन है, जिसकी विजिबिलिटी उतनी ही ख़राब है, जो एक वक्त पे बहुत क्लियर दिखती थी। और इसकी वजह और कुछ नहीं है, धुंध है, एयर पॉल्यूशन है, एयर क्वालिटी की गिरावट है। और मौसम विभाग के अनुसार अगर हम माने तो ये धुंध और ये एयर क्वालिटी और गिरने वाली है आगे के कुछ दिनों में। कैमरामैन राम नरेश के साथ विजय लक्ष्मी, न्यूज 18 इंडिया, न्यू दिल्ली। तो क्या स्तर हो चुका है, क्या आबो हवा हो चुकी है? मोहित सिंह, हम सीधा रुख करते हैं मोहित सिंह का। मोहित, हर बार की ये दिक्कत है, हर साल हमको इस तरह से इसका स्मॉग का कहर झेलना पड़ता है, लेकिन अब लगता है टीमें गठित की जा रही है, कुछ प्रशासन जो है दिल्ली प्रशासन हरकत में आया है। हिमानी, बिल्कुल, आज के अगर मैं मौसम की बात करूं तो यहां दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। सुबह से आज लोगों से बात की जा रही है। फिलहाल मैं इंडिया गेट पर खड़ा हूं और यहां
इस समय काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग रहते थे, लेकिन आज की अगर मैं सुबह से हम यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे इंडिया गेट आपको दिखेगा, विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। इसके अलावा जहाँ आने जाने वाले लोग काफ़ी रहते थे, आज वहाँ नहीं दिख रहे हैं। वहीं ठीक अगर मैं पीछे बात करूँ तो यहाँ से राष्ट्रपति भवन है जो कि यहाँ दिखाई ही नहीं दे रहा है। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं विजिबिलिटी कितनी कम हो गई है। और वहीं अगर मैं दूसरे इलाकों की मैं बात करूँ, जहाँ पे मुंडका की अगर मैं बात करूँ तो 454 वहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो कि काफ़ी पुअर कैटेगरी में आता है। इसके अलावा काफ़ी सारे वादे किए गए थे केजरीवाल सरकार की तरफ से कि इस बार हम लोगों को राहत देने के लिए काफ़ी कदम उठाएंगे, लेकिन वादे सिर्फ फाइलों में दबकर रह गए, जनता को कुछ राहत मिली नहीं। हिमानी, अहम सुनवाई भी है कोर्ट में, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। मोहित, आपसे, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस बीच दिल्ली में हवा में घुलते जहर पर क्रिकेटर गौतम गंभीर ने मुख्यमंत्री केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर तंज कसा है। गौतम गंभीर ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर प्रदूषण की समस्या से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। गौतम गंभीर ने एक ट्वीट में शायराना अंदाज में दिल्ली सरकार पर हमला किया। गौतम गंभीर ने लिखा कि दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल्ली में जगाया आम आदमी पार्टी ने, पहले तो यहाँ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन भगाया आपने। हमारी पीढ़ियां आपके झूठे वादों के कारण धुएं में जी रही है। आपके पास डेंगू और प्रदूषण को रोकने के लिए एक साल का वक्त था। दुख की बात है कि आपने दोनों में से किसी को नियंत्रित नहीं किया। जाग जाइए। मोहित सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोहित, ट्वीट्स भी यहां पर किए जा रहे हैं, रिएक्शंस यहां पर आ रहे हैं, लेकिन यह हर बार की समस्या है। हर बार ये आता है, चला जाता है, गुजर जाता है, लेकिन कुछ ठोस हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। इसी आबोहवा में, जहरीली आबोहवा में जीने को मजबूर हैं। कोर्ट से फटकार भी लगी थी, बावजूद इसके कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, हिमानी, गौतम गंभीर ने ट्वीट किया। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की अगर मैं खुद बात करूं तो वो खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो भी ट्वीट करते रहते हैं, उनके मंत्रियों के द्वारा भी ट्वीट किए जाते हैं, लेकिन समाधान की जो बात होती है, समाधान कुछ नहीं होता है। पिछले साल भी यही हालात थे, उससे पिछले साल भी यही था, लेकिन हर बार की तरह पल्ला झाड़ दिया जाता है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। वो आरोप लगाया जाता है कि जो कुछ हो रहा है वो पंजाब हरियाणा में पराली जलाने की वजह से हो, लेकिन पराली से लेकिन 4% ही प्रदूषण होता है। वो ये है कि दिल्ली वालों को सफर करना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा हिमानी, 4% पॉल्यूशन होता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार इस बात को मानने को तैयार है नहीं। कहीं ना कहीं वो अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी लेते नहीं है। कुछ भी होता है कह दिया जाता है कि उनकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है, और जब मामला बिगड़ता है तो कह दिया जाता है LG हमें इस बात की इजाजत नहीं दे रहे। दिल्ली की अगर मैं बात करूँ, इतनी सारी गाड़ियों के ऊपर रोकथाम लगाने की बात थी, कुछ हुआ नहीं, हर मामला फाइलों में दबकर रह गया। जमीनी हकीकत आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है। जमीनी हकीकत ये है कि आज भी स्थिति जस की तस है। तमाम चीजें कही जाती है, ऑडिवन की भी बात कही जाती है, लेकिन कुछ भी इससे सॉल्यूशन यहां पर निकलता नजर नहीं आता है। शुक्रिया मोहित सिंह इससे तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल